बचा सकता, आज मैं तेरा शीश काट के ही रहूंगा। हे शिशुपाल, हे निश्चरी पामर सावधान, करी जब तो जुआ चलाएगा। निश्चर यहाँ तुझको ध्यान रहे, फिर मैं यहाँ चाप प्रभु मांगूंगा। निश्चर तुझको ज्ञात नहीं, फिर मैं यह चात चलाऊंगा। शांत हो जा, अन्यथा तेरी मृत्यु हो जाएगा। ये तो समय बतलाएगा आज किसकी मृत्यु होगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा ड्रायर। चोर अगर तुम्हें मारता है तो ले, मैं तेरे शीश को ही काट देता हूँ। बहन द्रौपदी, शे मैं क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं रहे। हे मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन भैया, अंगुली में रखो में क्या हुआ? क्या रक्त चलाने से चोट लग गई? देखो भैया, आपकी अंगुली में खून कितना बह रहा है। मैं आपके खून को अभी रोकती हूँ। अरे बहन द्रौपदी, जिस समय हमने अपने चक्र के द्वारा शिशुपाल का संहार किया, उस चक्र चलाने में जरा सी चोट लग गई। अरे ये क्या करती हो बहन? थोड़ी बहुत चोट बताओ, 6 महीने खवाई नहीं करी गए, अब कहा थोड़ी बहुत चोट। अरे जरा सी चोट लगी उस चक्र को चलाने में। अरे बहन द्रौपदी, ये क्या कर रहे हो भैया? अरे तूने जरा सी चोट के कारण अपने धज्जी को फाड़ करके मेरी उंगली में बांध दिया। जरा सी चोट? इतनी सारी चोट आई, वो भी जरा सी चोट? हाँ बहन, अरे जरा सी तो चोट है ना। बहन द्रौपदी, आज तूने इस मोहन को रूढ़ी बना दिया। की हुआ आज से तेरा रूढ़ी, तेरा घनश्याम, हर जब तक ऋण ना तू चुका तब तक नहीं को तूने
खड़ी बना दिया। इस तरह से चोट के कारण तूने अपने दादी को भाड़ करके इस मोहन की उंगली में बांधा है। शे तुम क्या कर रहे हो भैया, इसमें ऋण और कर्ज की क्या बात है? हे भैया के इस हाथ से टपके रक्त धार क्या तुमसे प्यारी करके क्या है? आपकी जरा चोट के कारण आपकी बहन की साड़ी लाखों निछावर है भैया। बहन द्रौपदी आज इस दाजी को भाड़ करके मोहन की उंगली में बांध करके बहुत बड़ा ऋण कर दिया है। ये मोहन प्रेम के बंधन में बांध लिया है। जिस प्रकार से कि तोता के पढ़ावन में करताले बांधलियो ओ बांधलियो कुचरले प्रेम की पुकारो में और दो मुट्ठी चावल में सुदामा ने बांधलियो ओ बांधलियो कुचरले प्रेम की पुकारो में माखन के चाखन में गोपियों ने बांधलियो छछिया भर छाछी पर नाचे ब्रज के नारों में। बहन द्रौपदी और सवरी ने बांधा मुझे जूठे चार पैरों में और पहल तूने बांध लियो कच्चे सूती धागे। आज इस मोहन को तूने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब समय पड़े तब याद करो। क्या करो भैया? मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। मोहन तुम्हारा ऋणी है। जब कभी अवसर मिले ये समय पे इस मोहन को याद कर लेना। इस धज्जी के बदले साड़ियों का ढेर लगा देगा तेरा ये भाई।
ठीक है भैया, धन्य हो भैया, धन्य है आपका प्रेम। हे भैया, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप हसनापुर आया जाया करिए, जब तक आप आते नहीं मेरे दिल को चैन नहीं आता। अरे बहन, तुम इसमें मेरी बड़ाई क्यों करती हो? मैं तेरे भाई होने के नाते अपना फर्ज ही अदा करूंगा कि एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। ये बहना तेरा मोहन अपना फर्ज निभाता है। फर्ज निभाऊंगा, तुम तो मेरी बहन हो, एक बहन अपने भाई के लिए क्या नहीं कर सकता। सत्य भैया कि सुभैया मेरे राखी का बंधन ना भूला। नहीं चाहता क्यों? क्यों मैं मार जाऊंगा। अरे ऐसी बात हो गई, मर जाई हो। कौन सी बात हुई है भंजश्री? ऐसी ही बात हो गई मामा। कौन सी बात हुई है? मेरा अपमान हुआ। क्या? हाँ, आपका अपमान? कैसा अपमान हुआ है? जानते हो मामा कि जब गया साला था तब जल के पीछे आए और जब गया यज्ञ साला में भाग तब जल के पीछे आए थे। अरे अंधों के अंधे होते हैं उसने यह और उसने यह वचन सुनाए। उस पंचाली ने मेरा
किया, मुझे अंधे की औलाद बनाया मामा। नारियों के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ, दुर्योधन का अपमान हो गया। अब क्या करूंगा जी करमामा, क्या करूंगा? भंजश्री, थोड़ा फौज से काम लो, जोश से काम नहीं चलेगा। परंतु कैसे कैसे मैं धीरे धरूं? वो दृश्य मेरे सामने अब भी आ रहा है मामा। मैं मरना चाहता हूं। अब तुम्हारा मामा बुद्धि फेंकेगा। सुनो भाजेश्री। बोलो मामा। एक तुम्हें कार रचाना होगा। बोलो कैसा काम? अरे यू बताओ मामा, फुकनी मामा सकुनी। हाँ भाई, कहा तुम विचार लगाओ। विचार? मेरे भांजे का अपमान हुआ है, मैं ईंट से ईंट लड़ा दूंगा। कहत काका लड़ा दो, ईंट से ईंट लड़ाऊंगा, फोर-फार मचाऊंगा। अच्छा, यानी फोर-फार मचिया दो। यू कैसे? ये ऐसे भांजे श्री को समझाऊंगा और एक योजना रचाएगा। कौन सा? बना बना बना। कानों में क्या बता रहे हो मामा, जोर से कहो। भांजे श्री, चलो अपने महल को हमारे दीदा और दीदी के पास, वहां तुम्हें एक रच रचाना होगा कि मैं जुए का योजन रखना चाहता हूँ। जुआ खेलना चाहता हूँ। मेरा अपमान हुआ, तुम्हें जुआ खेलना पसंद आ रहा है? अरे भांजे श्री, ये मामा की बुद्धि नहीं जानते हो, तुम पगला कैसे लोगे फिर? अरे मामा, जुए का खेल खेलने के लिए पिताश्री मुझे आज्ञा कभी नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं आज्ञा देंगे? नहीं देंगे आज्ञा। भांजे श्री, तुम उनसे कहना, क्योंकि तुम भी इकलौता बेटा हो और वो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। और तुम कहना कि अगर जुए का आज्ञा नहीं खेलने को दोगे तो अपनी जान दे दूंगा। ऐसी बात है? हाँ। तो चलो शीघ्र चलो। लेकिन आगमन सुन ले हमार, वो नहीं सांच मत जान दे लगा, झूठ मूठ सांच बनाओ। भांजे श्री, कभी धोस से काम लेना, ऐसा ना हो कि अपने कटार मार लेना, खाली दिखावट करना है। परंतु मामा, जो ही अपनी तलवार को सीने से लगाऊं, मुझे पकड़ लेना। अरे पकड़ लिया, हम पद पकड़ लिया, लेकिन कहूं जैसे धोखा हो जाए, असना हो कि जो हम पद पकड़ ना पाई। अरे धोखा नहीं होगा, चलो शीघ्र चलो। यू हाथी चलो उतर के धर्म चला जाए, ऐसा भी होगा। हाँ चलो। हेलो, समझ लिया बात ही है। यू नहीं हुआ, चलते रहो, बात बाद में बिगड़ जाए।
सबको, हाँ सबको कायदत काम करो। अच्छा देखो पहले मामा श्री कहेंगे पिताश्री से। हाँ हाँ पहले यह कही है। हाँ बाद में हम पद बाद में कहा ठीक। आयुष्मान भगवत दीदाश्री तुम्हारे साले के राम हो, आयुष्मान हो, खुश रहो खुश रहो। अरे तुम तो कहना तुम पहले बड़े बड़े यार। कह रहा है हुआ नाटक न बनाओ, पहले पहले तुमका बोले है बनाओ। अरे क्या हो रहा है बेटा? जीजा श्री आज मेरा भांजा आपके सामने खड़ा हुआ है लेकिन कुछ खेल खेलना चाहता है। जीजा श्री खेल? वो कौन सा खेल है बताओ? कौन सा खेल है बताओ? मेरा भांजा आज जुए का आयोजन रखना चाहता है। नहीं नहीं, जुए का खेल अच्छा नहीं होता है। क्यों? जुए का खेल क्यों नहीं अच्छा होता है? ये तो क्षत्रियों का काम है। जुए का खेल अच्छा नहीं होता है साले साहब। जुए का खेल जुआबाजी ठीक नहीं होती है। जीजा श्री मेरा भांजा इकलौता है, आपको आज्ञा देना होगा नहीं तो भांजा मेरा अपनी जान गंवा देगा। नहीं नहीं। अरे पिताश्री। कहो बेटा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आज जुए का खेल खेलना चाहता हूँ। बेटा ये खेल किससे होगा? हमारे भाई पांडव में होगा, दुर्योधन और धर्मराज के बीच जुए का खेल होगा पिताश्री। नहीं बेटा, बेटा जुआ का खेल अच्छा नहीं और फिर पांडवों से। बेटा सुनो बेटा। बोलो पिताश्री। वो भी भाई के बेटे हैं और पांडव भी कोई डरे नहीं, और जो दगा करेगा उनके संग तो होगी इसमें खोरे नहीं। बेटा वो भी भाई के बेटे हैं और उनसे जुए का खेल नहीं अच्छा है बेटा। अरे पिताश्री मुझे आज्ञा दो। झूठ मूठ खेलवा झूठ मूठ, इसका मतलब पिताश्री मुझे आज्ञा नहीं देंगे। तो सुना पिताश्री। कहो बेटा। कि यदि आप नहीं आज्ञा देंगे चौसर में रहे है लाज भार चाचा को राज चला। नहीं बेटा,
रुपया नहीं देंगे तो सोच लो ये सारा राजपाट पांडवों को दे दो। नहीं बेटा। अच्छा तो ठीक है, पांडवों को क्यों दे दूं? क्योंकि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन इस संसार में अब नहीं रहेगा। नहीं बेटा। अरे यदि आप नया आज्ञा देवेंगे और तो अपने प्राण करना बेटा। बेटा बेटा मैं आज्ञा आपको दे रहा हूं बेटा, प्राण नहीं गवाना बेटा। लड़का मरवा डरी हो द्वार